स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? ए QR कोड स्कैनिंग, बी चेहरे की पहचान, सी सैटेलाइट आधारित GPS, डी RFID प्रौद्योगिकी। आंसर सी सैटेलाइट आधारित GPS। एक्सप्लेनेशन, सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की है। नई टोल संग्रह प्रणाली वाहन नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके सीधे बैंक खातों से टोल शुल्क काट लेगी। अगला प्रश्न, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? ए मार्क फिलिप्स, बी बोरिस जॉनसन, सी ऋषि सुनक, डी जस्टिन ट्रूडो। आंसर ए मार्क फिलिप्स। एक्सप्लेनेशन, गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स 6 से 11 फरवरी 2024 तक भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगला प्रश्न, RBI ने लगातार 6th बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ए 6.75%, बी 6.5%, सी 6.25%, डी 6.0%। आंसर बी 6.5%। एक्सप्लेनेशन, RBI ने लगातार 6th बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। RBI MPC के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए थाईलैंड, बी मालदीव, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। आंसर बी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। UCC का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मानकीकृत करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए री जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना P. देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था।